हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल अनस्टॉपेबल इंजीनियर्स। तो आज की वीडियो में हम गाड़ी का कूलिंग सिस्टम कैसे काम करता है वो सब कुछ समझेंगे। ये बिल्कुल एक बेसिक सी डायग्राम है, बट आपको जो एक्चुअल डायग्राम है, जो एक्चुअल कंपोनेंट्स हैं, जो एक्चुअल में पार्ट्स कैसे दिखते हैं, वो सब कुछ भी आपको स्क्रीन में दिखता जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ईजी है। आप टेक्निकल बैकग्राउंड से हो, नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से हो, आपको सब कुछ समझ आ जाएगा, बड़ा ही ईजी है ये। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या है, जब आप गाड़ी स्टार्ट करते हो ना, इंजन स्टार्ट करते हो, तब आपने अगर कभी देखा या नहीं देखा, आपको इमेज में दिख रहा होगा, कई तरह के वहां पे पंप वगैरह, मोटर वगैरह काम करना स्टार्ट कर देते हैं। अपने बेल्ट वाली अरेंजमेंट तो जरूर देखी होगी। ठीक है, जैसे आप गाड़ी को इंजन इग्निशन ऑन करते हो तो वो सभी भी काम करना स्टार्ट कर जाते हैं। उसमें एक होता है हमारे पास वाटर पंप, जैसे आप गाड़ी को ऑन करते हो जो गाड़ी का वाटर पंप है वो भी काम करना स्टार्ट कर देता है। क्लियर हो गया? आपको बेल्ट वाली अरेंजमेंट दिख रही होगी, वहां पर वाटर पंप है वो भी काम करना स्टार्ट कर देता है। अब पंप का काम क्या होता है, वाटर को लिफ्ट करना। जैसे आपके घर में पंप लगा हुआ है, वो क्या कर रहा है, जो ग्राउंड लेवल का वाटर है या फिर ग्राउंड से नीचे जो वाटर है उसको ऊपर की तरफ रेज कर रहा है, लिफ्ट कर रहा है उसको, वही काम यहाँ पर वाटर पंप भी करता है। यहाँ पर क्या है, लोअर टैंक में आपके पास एक कूलेंट है, कूलेंट मतलब जिसका टेम्परेचर कम है, जो कि ठंडा है, सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए। वाटर पंप क्या कर रहा है, उस कूलेंट को लिफ्ट कर रहा है। वाटर पंप जो है ये कूलेंट को लेके यहाँ पे इंजन डिपार्टमेंट की तरफ लेके जा रहा है, जहाँ पर पिस्टन वगैरह अपना काम कर रहे हैं। इतना क्लियर हो गया? पंप का काम आपको समझ आ गया क्या कर रहा है, क्योंकि यहाँ से वाटर को यहाँ तक ले जाना है वो अपने आप तो जा नहीं सकता, वहाँ पे पंप चाहिए आपको काम करवाने के लिए। तो वो काम वाटर पंप का, वो जो काम है वो वाटर पंप कर रहा है। यहाँ से जितना भी कूलेंट था उसको लेकर गया इंजन कंपार्टमेंट तक, ठीक है, या इंजन डिपार्टमेंट, जो भी आप बोल के चलो यहाँ पे। यहाँ पर क्या है, कई तरह के, जैसे यहाँ पर अगर हम कंबशन की बात करें, कंबशन हो रहा होता है, फ्रिक्शन वगैरह जनरेट हो रही होती है, फ्रिक्शन के कारण हीट जनरेट हो रही होती है, मतलब इंजन का टेम्परेचर बढ़ जाता है। अब आप चाहते हो कि जब इंजन जो काम कर रहा है उसका टेम्परेचर एक्सेस में नहीं होना चाहिए, मतलब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर भी नहीं होना चाहिए, और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि इंजन का टेम्परेचर बिल्कुल कम हो। एक ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज होनी चाहिए, एक मीडियम टेम्परेचर होना चाहिए जिस पर हम चाहते हैं कि ये इंजन काम करे, मतलब एक नॉर्मल टेम्परेचर होना चाहिए इंजन का। ठीक है, उस पर काम करेगा तभी आपको एफिशिएंसी मिलेगी। अब ये क्या हुआ, कूलेंट यहाँ पर जाता है, यहाँ पर वाटर जैकेट्स आपको दिख रहे होंगे स्क्रीन में, उन वाटर जैकेट्स में ये फ्लो करता है। ठीक है, जो कूलेंट था वहाँ पर घूमना स्टार्ट कर देता है। अब ये जब वहाँ पे चक्कर लगा रहा होता है, घूम रहा होता है, तब ये क्या करता है, इंजन की जो भी हीट है उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, इंजन की जितनी भी हीट थी उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, क्योंकि ये ठंडा था ना और इंजन गर्म हो चुका था, हीट कहाँ से ट्रांसफर होगी, गर्म जगह से ठंडी जगह पे ट्रांसफर होगी, तो इंजन की जितनी भी हीट थी वो सारी कूलेंट एब्जॉर्ब कर लेगा। जैसे ही कूलेंट ने हीट एब्जॉर्ब की, कूलेंट जाता है ये ऊपर वाली तरफ यहाँ पर। ठीक है, अभी आपको पाइप दिख रही होंगे, यहाँ पे होज लिखा हुआ है, इसको होजेस भी कह सकते हो, आप सिंपल समझने के लिए वाटर पाइप भी समझ सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे इसको होज कहा जाता है, ये लोअर होज है, ये अपर होज है। लोअर होज से वाटर के यहाँ पे इंजन डिपार्टमेंट आप कह सकते हो वहाँ तक गया, इंजन कंपार्टमेंट तक गया, और जब यहाँ पे सब कुछ ने हीट वगैरह एब्जॉर्ब कर ली, फिर ये कूलेंट जो है ऊपर वाली तरफ आ जाता है, मतलब ऊपर की पाइप की तरफ आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर आ गए थर्मोस्टेट वॉल्व। जैसे होता है ना, वॉचमैन का काम होता है वो एलो करेगा तभी आप एंटर कर पाओगे, नहीं एलो करेगा तो आप एंटर नहीं कर पाओगे, वैसे यहाँ पे जो थर्मोस्टेट वॉल्व है वो वॉचमैन का काम कर रहा है। ये क्या करता है, अगर देखो ये जो कूलेंट यहाँ पर गया है ना, अगर टेम्परेचर बढ़ गया कूलेंट का, मतलब अगर एक लिमिटेड टेम्परेचर जो है, जो एक रेंज रखी है टेम्परेचर की, अगर उस रेंज से ज़्यादा टेम्परेचर है, यानी कि कूलेंट अगर ज़्यादा गर्म हो गया है, तो ये थर्मोस्टेट वाल्व इस कूलेंट को आगे जाने देगा। अगर टेम्परेचर इतना ज़्यादा बढ़ा ही नहीं है, जैसे मान के चलो आपने गाड़ी को भी स्टार्ट किया, जस्ट जस्ट अभी आपने गाड़ी को स्टार्ट किया, तो पंप तो अभी भी इसको ले जाएगा, कूलेंट को यहाँ पर ले जाएगा, लेकिन जैसे आप गाड़ी स्टार्ट करते हो तो इंजन इतना ज़्यादा गर्म होता नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि जब आपने गाड़ी स्टार्ट की तब जो आपका कूलेंट है वो भी ज़्यादा गर्म नहीं हुआ होगा। तो यहाँ पे थर्मोस्टेट वॉल्व क्या करता है, जो कूलेंट था इसको आगे जाने के बजाय यहाँ पे बाईपास वॉल्व में भेज देता है। ठीक है, बाईपास का मतलब भी हुआ ना कि कूलेंट को आगे जाने नहीं दे रहा, इस जो कूलेंट था यहाँ से अब थर्मोस्टेट वॉल्व से यहाँ पे नीचे की तरफ आ जाता है, और फिर दोबारा से इस वाटर पंप के सेक्शन में आकर और दोबारा से घूमना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, अगर कूलेंट का टेम्परेचर बढ़ गया, मतलब इंजन ज़्यादा गर्म था और कूलेंट ने ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब कर लिया है, अब कूलेंट गर्म हो चुका है, अब कूलेंट क्या करता है, थर्मोस्टेट वॉल्व जो है, थर्मोस्टेट वॉल्व से कूलेंट यहाँ की तरफ जाता है, आगे की तरफ जाता है। क्लियर हो गया? इतना आपको समझ आ गया। थर्मोस्टेट वॉल्व में एक वैक्स वाला मैकेनिज्म होता है, वैक्स समझते हो ना, वैक्स वाला मैकेनिज्म होता है। यहाँ पर क्या होता है, अगर टेम्परेचर बढ़ जाएगा ना, तो इस तरह की, मतलब मान के चलो इसके अंदर एक पाइप वगैरह होती है, अरेंजमेंट होती है, नीचे वैक्स भरा होता है, वैक्स सॉलिड फॉर्म में है, अगर टेम्परेचर बढ़ गया तो वैक्स जो है मेल्ट हो जाएगा, पिघल जाएगा, जैसे ही मेल्ट पिघल जाएगा तो ये जो चीज़ थी नीचे की तरफ आ जाएगी, और ये वाली ओपनिंग यहाँ से जगह ओपन हो जाती है और कूलेंट यहाँ से आगे फ्लो करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, अब जो जो भी कूलेंट था आपका, जो कूलेंट गर्म हो चुका था, वो सारा यहाँ पर आ जाता है, अपर टैंक में आ जाता है। ठीक है, अपर टैंक में जब कूलेंट आ गया, ये रेड कलर का दिख रहा है आपको, जो मतलब गर्म वाला कूलेंट है, वो कूलेंट यहाँ पर आ चुका है। इतना आपको समझ आ गया।
अब उसके बाद क्या होता है, ये रेडिएटर वाला सेक्शन है, ठीक है। रेडिएटर के ट्यूब्स हैं जो आपको इमेज में भी दिख रही होगी, गाड़ी के सबसे फ्रंट में जो रहता है आपके, ठीक है। यहाँ से क्या हुआ, जितना भी कूलेंट था वो अब नीचे की तरफ आना स्टार्ट कर देता है। ये सारे रेडिएटर ट्यूब्स हैं, 1, 2, 3, 4 ट्यूब्स यहाँ पर हैं। जितना भी कूलेंट था वो सारा नीचे की तरफ आना स्टार्ट कर देता है। और यहाँ पर लगा हुआ एक फैन आपको दिख रहा होगा सामने, ठीक है। जब यहाँ पर एक सेंसर लगा होता है, कूलेंट सेंसर लगा होता है टेम्परेचर वाला, वो जब देखता है टेम्परेचर बढ़ गया है तो वो इस फैन को ऑन कर देता है। जैसे ये फैन ऑन होगा ना, ये बाहर भी जो हवा थी, जो एटमोसफेयर की हवा थी, उसको अंदर की तरफ खींचना स्टार्ट कर देता है। मतलब एटमोसफेयर से एयर यहाँ पर ऐसे एंटर करना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। ये एयर को सक कर रहा होता है यहाँ पे, ये सारी एटमोसफेयर की एयर है जो एंटर कर रही है यहाँ पर, ठीक है। इस तरह से अब ये क्या हो रहा है, जो कूलेंट था उसका टेम्परेचर बढ़ा हुआ था, कूलेंट नीचे की तरफ आ रहा था और साथ में हवा भी एंटर कर रही थी। अब हवा जो एटमॉस्फेयर की हवा है उसका टेम्परेचर तो कम ही होगा, क्योंकि जो कूलेंट था इसने ज़्यादा हीट गेन कर ली है, इसका टेम्परेचर बढ़ चुका है। अब जैसे जैसे कूलेंट नीचे आता जा रहा है, वो एयर के भी कॉन्टैक्ट में आ रहा है, उसके कारण क्या हो रहा है, जो कूलेंट था वो भी ठंडा होता जा रहा है, मतलब उसका टेम्परेचर कम होता जा रहा है। और जैसे जैसे वो नीचे आता जाएगा, उसका टेम्परेचर वापस फिर से पहले की तरह हो जाएगा और फिर वापस वही मैकेनिज्म आगे चलता रहेगा। जैसे हमारे घरों में हम प्रेशर कुकर यूज़ करते हैं खाना बनाने के लिए, तो वहाँ पे जब प्रेशर बढ़ जाता है तो वहाँ पे जो सीटी रहती है प्रेशर कुकर की, वो प्रेशर रिलीव करने का, प्रेशर निकालने का काम करती है। वैसे यहाँ पर आपको प्रेशर रिलीज़ कैप दिख रहा होगा, या फिर इसको प्रेशर कैप भी कहा जाता है। यहाँ पे जब कूलेंट आया था ना अपर टैंक की तरफ, तो उसका टेम्परेचर बढ़ गया था, कई बार उसका प्रेशर भी बढ़ जाता है। तो वो जो प्रेशर है उसको जो निकालने का काम करता है, एक्सेस प्रेशर को जो मेंटेन करने का काम कर रहा है, वो यहाँ पे प्रेशर रिलीज़ कैप ही करती है। तो इसका भी बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ये भी आपको पता होना चाहिए। एक बार फिर से स्टार्टिंग से रिवाइज कर लें शॉर्ट में। यहाँ पे आपका कूलेंट था लोअर टैंक में, यहाँ से गया वाटर पंप अपने इसको भेजा इंजन जैकेट्स में, इंजन जैकेट से वो जब गर्म हो गया ऊपर की तरफ गया थर्मोस्टेट वाल्व से, अपर टैंक में आया और वापस नीचे की तरफ आया, और इस तरह से घूमता रहता है। ये आपको समझ आ गया कि कूलिंग सिस्टम काम कैसे करता है। अब यहाँ पे कुछ बेसिक से फैक्ट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, जैसे कि जो ऑप्टिमम, जब हम बात करते हैं ना टेम्परेचर रेंज की इंजन के, वो टेम्परेचर रेंज क्या है, अगर हम सेल्सियस में बात करें, मतलब अगर 80 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर हुआ इंजन का, तो हम बोलेंगे इंजन जो है वो कोल्ड है, समझ के मतलब ठंडा इंजन हम ऐसा बोलेंगे। और अगर वो टेम्परेचर 110 डिग्री सेल्सियस बोल गया, तो हम बोलेंगे कि जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा इंजन का, क्लियर हो गया। मतलब 80 डिग्री सेल्सियस बहुत ठंडा और 110 डिग्री सेल्सियस बहुत ज़्यादा गर्म हो गया। और आपको बता दूँ, अगर हम नॉर्मल प्रेशर की बात करें, एवरेज प्रेशर जो एटमोस्फेरिक प्रेशर है, उसमें वाटर 100 डिग्री सेल्सियस में बॉयल करता है। तो ये सब एवरेज आप एस्टिमेट लगा सकते हो कि कितना टेम्परेचर होगा 80 डिग्री सेल्सियस और कितना होगा 110 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। फ़ारेनहाइट की बात करें, 175 डिग्री फ़ारेनहाइट से 230 डिग्री फ़ारेनहाइट यह टेम्परेचर रेंज। और वो टेम्परेचर रेंज जहाँ पे मतलब ऑप्टिमम टेम्परेचर, जो हम मान के चलते कि इंजन इस टेम्परेचर पे काम करे तो बेस्ट एफिशिएंसी देगा, वो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट रहता है। इतना क्लियर हो गया। ये एवरेज गाड़ियों को बता रहा हूँ, हर एक गाड़ी का वैसे अलग रहता है, जो भी इंजन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं वो अपने हिसाब से सेट करती हैं। बट ऑप्टिमम टेम्परेचर की बात की जाए, एवरेज एवरेज ऑप्टिमम टेम्परेचर की बात की जाए, वो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट रहता है। और कूलेंट की बात करें, वो 190 डिग्री, मतलब मान के चलो 85 डिग्री 90 डिग्री सेल्सियस पे काम करना स्टार्ट कर देता है। ये कुछ फैक्ट्स है टेम्परेचर को लेके। बाकी इसमें किसी भी तरह का डाउट होगा आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछना है, और इसी तरह की किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहते हो तो वो भी आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है।